ऐसा क्या हो गया जो रोए जा रही हो? रोती अपनी नदामत पर रो रही हूँ। आप यकीन करें भाभी, फिरदौस आपा को सुरैया के बारे में बताने का मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि मैं उसे बेइज्जत करूं। मेरा ये ख्याल था कि फिरदौस आपा भी सुरैया के लिए मेरी तरह दर्द दिल रखती हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुदस्सर भाई इस बात का इतना गलत मतलब निकालेंगे। शे माफ कर दे, भूल जाओ सब कुछ, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे भाई ने कहा है ना, आप मेरी गलती भुलाकर मुझे माफ कर सकती हो? अभी मैंने आपको अपनी भाभी की तरह नहीं, माँ की तरह देखा है, और माएं तो बेटियों की बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देती हैं ना। मेरी सुरैया को जिस तरह मुदस्सिर भाई ने बेइज्जत किया ना, वो सब तुम्हारी वजह से। किसी की बेइज्जती नहीं हुई अम्मी, न मेरी न हमारे खानदान की। अगर कोई बेइज्जत हुआ है तो वो मुदस्सिर फूफा हुए हैं। जो बात उन्होंने की है उससे उनकी इज्जत कम हुई है। वाली फूफो, आपसे कोई नाराज नहीं है, कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप प्लीज अपने दिल से ये गिल्ट निकाल दें। और जो कुछ हुआ वो अच्छा ही तो हुआ है। मैं भी हामिद भाई से शादी नहीं करना चाहती थी। आपको पता है अब्बू ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अगर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो पढ़ सकती हूँ, वो मेरा साथ देंगे। अम्मी आप हुप्पो को गले लगाएं और उनको बताएं कि आप उनसे नाराज नहीं हैं। लगाएं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बस दुखी थी। भूल जाओ तुम सब कुछ।